बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। हम आज सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि डीई की मैथ है, जिसका कोड 233 है। हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² - 7x + 4। हमने फाइंड करना है एफ 1/x, कौन सा फंक्शन बनाना है, 1/x। देखो ना, मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। वो कहता है एफ 2 बनाएं, अगर हमारे फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की 3। हमने बनाना है एफ 2, कैसे बना सकते हैं एफ 2, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर इस फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देंगे, 2। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2, 2^3 8 आ जाएगा। ये होती है डेफिनेशन फंक्शन की। ये डेफिनेशन किसकी है, फंक्शन की। हमने कौन सा फंक्शन बनाना है, 1/x। इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1/x। जहाँ जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1/x। 7x इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/x। बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1/x। 1 का स्क्वायर 1 x² आ गया, माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई 7x + 4 आ गया। बच्चों ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/x² - 7x + 4, 1/x आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 1 - x² 1 - x² वो कहता फाइंड करें एफ साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, एफ साइन थीटा फाइंड करना है, एफ साइन थीटा। बच्चों जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। इस फंक्शन के अंदर बच्चों जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। इस x की जगह पर भी क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। इस x की जगह पर भी बच्चों क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, ये 2 आ गया साइन थीटा। हमने फर्स्ट ईयर में किया था फार्मूला, 1 - sin² थीटा किसके बराबर है, कोस के थीटा के। बच्चों 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा। बच्चों अब यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1 - sin² थीटा किसकी जगह क्या पुट कर देंगे, कोस के थीटा, 2 sin थीटा। मरबा जजर कैंसल, बच्चों क्या आ जाएगा, कोस थीटा। हमें पता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर है। बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के। बच्चों किसके बराबर है, साइन 2 थीटे के। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटे के बराबर आ गया। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x/1 + x² फाइंड करें। बच्चों क्या फाइंड करना है, f tan a। बच्चों कौन सा फंक्शन बनाना है, f tan बनाना है। अब इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर देंगे, tan a पुट करेंगे। बच्चों क्या पुट करेंगे, tan a। जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, tan a। इस x की जगह पर भी क्या पुट करेंगे, tan a ओवर 1 + tan² a। हमें पता है 1 + tan। बच्चों ये फार्मूले अच्छे तैयार करें, अगर ये फार्मूले आते होंगे तो आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली इसको हल कर सकते हैं। 1 + tan² किसके बराबर है, secant² a के बराबर। अब secant² a किसके बराबर है, 1/cos² a के बराबर है, 1/cos² a के बराबर है। बच्चों tan किसके बराबर है, tan a। sin/cos के बराबर है, sin/cos के बराबर। 1 + tan² a = secant² a के बराबर है,
सीकेंट स्केयर है, वन ओवर कोस स्केयर है के बराबर, टैन किसके बराबर है, साइन ओवर कोस के बराबर, ये टू इसी तरह टैन किसके बराबर है, साइन ओवर कोस ए के बराबर है, वन प्लस टैन स्केयर सीकेंट स्केयर ए के बराबर, ये टू आ गया साइन ए ओवर कोस ए। बच्चों सीकेंट स्केयर ए किसके बराबर है, वन ओवर कोस स्केयर ए के बराबर है। अब देखो बटे के नीचे बटा, और ये तकसीम के अंदर है, जब इसको मल्टीप्लाई के अंदर लेके जाएंगे तो रकम को उल्टा के लिख देंगे, साइन ए ओवर कोस ए, बच्चों इसको उल्टा के लिख देंगे, वन ओवर कोस स्केयर ए है, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्केयर ए ओवर वन आ जाएगा। अब ए कोस इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, वन, वन कोस बच जाएगा, टू साइन ए कोस ए आ जाएगा, टू साइन ए कोस किसके बराबर है, टू साइन ए कोस ए किसके बराबर है, साइन टू ए के बराबर है। बच्चों टू साइन ए कोस ए किसके बराबर है, साइन टू ए के बराबर, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन टू ए के बराबर। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, एफ ओफ एक्स इक्वल टू वन ओवर वन मनफी एक्स, फाइंड करें एफ एफ फाइव, एफ फाइव के बराबर है। बच्चों ये हमने फंक्शन है फाइंड करना है, सबसे पहले एफ फाइव की वैल्यू बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों एफ फाइव की वैल्यू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, फाइव वन ओवर वन माइनस फाइव, जहाँ जहाँ पहले क्या बनाएंगे, अंदर वाला फंक्शन, ये क्वेश्चन फंक्शन के अंदर फंक्शन, सबसे पहले एफ फाइव बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन जो भी वैल्यू बनाएंगे फंक्शन से बनाएंगे, एफ फाइव वन आ गया, वन प्लस का माइनस का फाइव माइनस का फोर आ गया, ये एफ फाइव की। अब कौन सा फंक्शन बनाना है, एफ फाइव, अब कौन सा बनाना है, एफ फाइव फंक्शन बनाना है, हमने कौन सा फंक्शन बनाना है, एफ फाइव, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, इस फंक्शन के अंदर देखो एफ इसी तरह, इस एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एफ फाइव, क्या पुट करेंगे, एफ फाइव। बच्चों जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, इस एक्स की जगह पर एफ फाइव पुट करेंगे, एफ फाइव। अब हमारे पास वैल्यू, हमारे पास एफ फाइव की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, वन ओवर माइनस का फोर, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, वन ओवर माइनस का फोर आ गया, ये वन इसी तरह, ये वन आ गया, माइनस माइनस प्लस, वन ओवर फोर आ गया बच्चों, वन आ गया। अब नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, फोर, फोर वन के साथ मल्टीप्लाई, फोर प्लस वन, फोर फोर के साथ कैंसिल, वन आ गया। बच्चों क्या आंसर आ जाएगा, वन ओवर फाइव, फोर प्लस वन फाइव ओवर फोर आ गया। अब देखो जब इसको तकसीम में मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, फोर ऊपर हो जाएगा फाइव नीचे आ जाएगा, ये था हमारा फाइनल आंसर, किसकी वैल्यू थी, ये एफ इंटू एफ फाइव की। सबसे पहले बच्चों एफ फाइव बनाए, फिर ये बाहर वाला फंक्शन बनाए, एफ इंटू एफ फाइव, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एफ फाइव पुट करते जाएंगे, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एफ फाइव पुट कर दिए, जहाँ पर एक्स था एफ फाइव, फिर एफ फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर फोर, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, शो डैट, बच्चों क्या करना है, शो डैट, शो डैट एफ ओफ एक्स, एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इवन फंक्शन, इज इवन। बच्चों जब वो कहेगा इवन फंक्शन फाइंड करें, ओड फंक्शन फाइंड करें, तो क्या करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स। बच्चों इसकी डेफिनेशन ये होती है, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, दोबारा क्या बन जाए, वही फंक्शन बन जाए एफ ऑफ एक्स,
हम कहते हैं इज अ इवन फंक्शन। अगर x की जगह पर माइनस एक्स पुट करें दोबारा क्या बन जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, हम कह देंगे इज अ ओड फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन होता है? ओड। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे दोबारा बन जाए एफ ऑफ एक्स, वो होता है इज अ इवन फंक्शन। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करें दोबारा बन जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, इज ओड फंक्शन। देखो इसकी एग्जाम्पल के जरिए पहले समझाऊंगा, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x की पावर स्केयर, मैं कहता हूँ इज अ इवन फंक्शन है ये। वो कहता है शो डैट करें ये वाला फंक्शन क्या इवन है। मैं क्या प्रोसीजर करूंगा, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करूंगा माइनस एक्स, जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करूंगा माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर। देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया दोबारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा दोबारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। बच्चों ये क्या प्रूव हो गया? इज अ इवन फंक्शन। बच्चों क्या प्रूव हो गया? इज अ इवन फंक्शन। हम जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे माइनस एक्स, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे माइनस एक्स, जहां जहां पर एक्स है वहां पर बच्चों क्या पुट करेंगे माइनस एक्स। ये एक्स की पावर 4 हो गया और पावर कौन सी आ गई? इवन। इवन मनफी को खत्म कर देगी माइनस 7। पावर कौन सी आ गई? इवन। इवन मनफी को खत्म, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 माइनस एक्स। अब देखो एक्स की 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कौन सा फंक्शन है? देखो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं, एक्स की 4 माइनस 7 एक्स प्लस 7 किसके बराबर है? ये एफ ऑफ एक्स के बराबर। किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ एक्स के बराबर। देखो x की जगह माइनस एक्स पुट किया दोबारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? इज अ इवन फंक्शन। हमने ये शो करवाना था भी ये जो सा फंक्शन क्या इवन है, देखो इवन फंक्शन है, हमने ये साबित करवा दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स लिमिट x approaches 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 80 के बराबर है, इक्वल टू 80 के बराबर है, इक्वल टू 80 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला वी नाओ डैट कौन सा? लिमिट x अप्रोचिज a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1 के बराबर। अब देखो लिमिट x अप्रोचिज a, यहाँ पर x अप्रोचिज 2 है, x की पावर n यहाँ पर भी x की पावर n, 2 की पावर n a की पावर n, x माइनस 2 यहाँ पर भी x माइनस 2 x माइनस a सॉरी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगा देंगे ये वाला, देखो तवज्जो n क्या हमारे पास, इधर भी n था इधर भी n आ गया, a क्या हमारे पास a हमारे पास 2 है यहां पर 2 लगा देंगे, n क्या हमारे पास इधर क्या n ही लगा देंगे n माइनस 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 80 के बराबर, इक्वल टू 80 के बराबर है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 16, ये 5 आ गया मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 n। हमने क्या फाइंड करना? फाइंड करें n फाइंड करना, बच्चों क्या फाइंड करना? n की वैल्यू, क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भी 2 बेस है इधर भी 2 बेस है, बेस बेस के साथ कैंसल, हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, n इज इक्वल टू ये वैल्यूज के साथ कैंसल, n इज इक्वल टू 5 है। कैसे कैंसिल हो गया? यहाँ पर तो 2 की पावर n माइनस 1 था, यहाँ 2 की पावर 4 था, ये कैंसिल कैसे हो सकता है? देखो अगर हम n की जगह पर क्या हमने 5 पुट किया ना, n की जगह पर अगर 5 पुट कर दें ये 2 की पावर 4 है, देखो 5 में से 1 निकालेंगे 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, देखो ये बिल्कुल हमने ठीक कैंसिल किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये फार्मूला लिखें, हमने ये फार्मूला लगाना है, n यहाँ पर n है, a हमारे पास 2 है,
एक ही जगह पर टू पुट कर दें, ये 80 इसी तरह आ जाएगा। अब बेस दोनों की क्या होगी, सेम। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, ये बेस बेस के साथ कैंसिल, पावर भी कैंसिल हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके सामने के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।